फैशन बोले तो लिबर्टी। दिलीप करमपुरी सर के लिबर्टी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेबी नववारी साड़ी सीखने वाले हैं। छोटी लड़कियों के लिए 6 बार साड़ी लगती है। लगने वाले नाप, लंबाई और सीट घेरा। इस नववारी साड़ी की जानकारी व अनेक साड़ियों की जानकारी लिबर्टी के दिलीप करमपुरी सर के नटखट तैयार साड़ियों की किताब में है। इस किताब में तैयार साड़ियों के रंगीन कैटलॉग भी है और साथ ही साड़ियों के तैयार पेपर कटिंग भी इस किताब में उपलब्ध है। आप यह किताब जरूर इस्तेमाल करें। यह अपनी रेगुलर 6 बार साड़ी है। छोटी लड़कियों की साड़ी के लिए अस्तर की जरूरत नहीं है। हम साड़ी की घड़ी पर लंबाई के नाप डालने वाले हैं। पूरी लंबाई 28 इंच लेनी है। आप यहाँ पर अपने नाप अनुसार भी लंबाई ले सकते हैं। दिखाए अनुसार रेक आंक ले। इस रेक पर कपड़ा कट कर ले। छोटी लड़कियों के लिए लंबाई का दुगना पल्लू लगता है। पर 28 इंच का 2 गुना पल्लू कट किया है। पैरों के लिए हमें लंबाई का 2 गुना -6 इंच कपड़ा लेना है। ठीक ऐसे हम 2 हिस्से कट करने वाले हैं। यह पल्लू है और ये 2 पैरों के हिस्से हैं। अब पल्लू को बाजू में रख दे। पैरों के लिए कट किया हुआ 1 हिस्सा खोलकर रखें। अब दूसरा हिस्सा भी उसके ऊपर रखें। याद रखें, दूसरा हिस्सा रखते समय बॉर्डर सीधी पर सीधी ही आनी चाहिए। यहाँ कमर पर सीट घेरे का आधा हिस्सा अधिक 2 इंच लेना है। यह लंबाई सीट घेरे का 1/3 हिस्सा ले। यह लंबाई कट कर ले। यह सीट का आकार है। यह दोनों बॉर्डर सीधी पर सीधी बाजू रखी है। इससे दोनों बॉर्डर एक ही साइड पर आएगी। ऊपर की तरफ गोल आकार देकर कट कर ले। दिखाए अनुसार साड़ी की एक तरफ चून ले ले। चून लेकर यह हिस्सा सीट लंबाई जितना आना चाहिए। इस तरह दोनों हिस्सों पर चून लेकर तैयार कर ले। उसी तरह पल्लू पर भी चून ले ले। अब चून लिया हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ 1 सीट आकार पर जोड़ ले। जोड़ते समय इस तरह से उलटकर सिलाई कर ले। यहाँ पर बॉर्डर उल्टी साइड पर आनी चाहिए। दोनों हिस्से इसी तरह से जोड़ ले।
जोड़ने के बाद पीछे की तरफ इसी तरह से सीट आकार दिखेगा। इस तरह दोनों हिस्से एक ही जैसे ही तैयार कीजिए। यह सीट का आकार है। दिखाए अनुसार दोनों सीट आकार जोड़ लें। सीट आकार जोड़ते समय दोनों तरफ एक एक बॉर्डर आनी चाहिए। इस तरह एक के नीचे एक बॉर्डर रखकर जोड़ लें। इस तरह से कमर का ऊपरी हिस्सा हमने तैयार कर लिया है। दिखाए अनुसार बॉर्डर पर चुन ले लें। यह तैयार की गई चून ऊपर सेंटर पर जोड़ ले। उसी तरह दूसरी तरफ भी चून ले ले। यह चून सेंटर पर जोड़ ले। दोनों चून जोड़ने से पहले अच्छे से इस्त्री कर ले। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक तैयार हो गया है। अब पीछे के सीट आकार पर पल्लू जोड़ ले। दिखाए अनुसार कमर पर बॉर्डर का नेफा लगा ले। नेफा जोड़ते समय अंदर से बाहर की तरफ मोड़कर जोड़ ले। इस तरह से हमारी बेबी नववारी साड़ी तैयार हो गई है। टिप, यहाँ पर पल्लू न लगाकर आप जेंट्स की धोती भी तैयार कर सकते हैं। बड़ों के लिए भी धोती बनाने की तरकीब यही रहेगी, तो आप यह जरूर बनाएं। अलग अलग फैशन सीखने के लिए आप दिलीप करमपुरी सर के लिबर्टी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में कोर्स कीजिए।